आप यही के हैं ना? ना हम यहाँ ना हैं। आप भी नहीं हैं? वो वहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद से वो लोग, अच्छा ये भी यहाँ के स्टाफ नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ कौन है फिर? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूँ आशुतोष उपाध्याय। देखिए आपको पीछे एक भवन दिख रहा होगा, भवन से स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा होगा कि श्री कृष्णपुरी थाना ये है जहाँ हम अभी मौजूद हैं। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे क्यों उपस्थित हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि मद्य निषेध के जो लोग हैं, मद्य निषेध के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एक घर पे दबिश देने गए थे। बगल के लोगों से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो श्री कृष्ण द्वारिका लेन है, यानी कि जो द्वारिका लेन है श्री कृष्णपुरी में, वहाँ पर एक शराब धंधेबाज रहता है और जो शराब का जो वहाँ पर सेवन जो होता है और शराब की जो बिक्री होती है उसके माध्यम से की जाती है। कुछ गोपनीयता है, मैं उसकी नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन आपको स्पष्ट तौर पे बता दूँ कल मद निषेध की जो टीम है और साथ में जो पुलिस की जो टीम गई हुई थी उनके तरफ से भी यहाँ से हाथापाई हुई और वहाँ से भी हाथापाई हुई, जिसमें एक महिला दरोगा इसमें घायल हो गई। और उसके बाद आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि बिहार में आए दिन कोई ना कोई पुलिस वाले पिटते हुए दिखते हैं। तभी आप खनन अधिकारी बीटा में किस प्रकार से आपने देखा कि एक खनन अधिकारी जो महिला हैं वो पीटते हुए नजर आई थी। बालू माफिया कभी पीट देते हैं तो कभी शराब माफिया पीटते हुए नजर आते हैं। एक बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ माफिया छोड़ के भागते हैं अपने प्रदेश को, लेकिन यहाँ माफिया रह के पुलिस को पीटते हैं। अब कारण क्या है, जरा अंदर चल के लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहा, कि भाई वहाँ क्या घटना हुई कि वहाँ पर इस तरीके की जो वारदात, इस तरीके की घटना बन पाई उधर किस तरीके, क्योंकि कहा गया था एक समाचार पत्र में, समाचार अखबार में ये लिखा गया था कि जो मद निषेध की टीम जब पहुंची थी तो वहाँ पे जो व्यक्ति था वो पूरी तरीके से मतलब दारू पी हुए था, दारू पी के वो नशे की धुंध में था और उसके बाद वो गलत तरीके से पुलिस वाले से बात भी कर रहा था पुलिस वालों से। और उसके बाद से फिर हुआ क्या कि लोग फिर भी नहीं डरे, लोग फिर भी पीछे नहीं गए और उसके बाद से जाकर घर में अंदर जब दबिश दी और घर में जाकर फिर चेकिंग करा कि नहीं भाई शराब है कि नहीं है, तो फिर शराब तो नहीं पाया गया लेकिन जो लाठी और उसके बाद से जो अभद्र टिप्पणियाँ जो निकली सामने से वो हम सबों ने उस चीज़ को पढ़ा और सुना भी है। अभी चल के जरा अंदर बातचीत कर लेते कि आखिर कौन सा कारण रहा जिससे ये देखने को मिला है और क्या हुआ है। सर तो अभी हाँ बोलिए, मोबाइल नंबर भेज दें, ऑडियो से तो बात करेंगे। हाँ उनका फ़ोन नहीं उठा है, हम अपने सर को फ़ोन किए थे, जो हमारे हेड है उनको फ़ोन किए थे। मुझे संपर्क कर लीजिए, हमारा घर से सर ही जवाब दे पाएंगे इस बारे में, दूसरा अधिकारी नहीं है। अच्छा, कोई मतलब अधिकारी यहाँ बाइट मतलब देने योग्य नहीं है? नहीं, तो वो तो महिला होंगी ना, जो महिला कल गई थी वहाँ पे मद निषेध टीम के साथ और वहाँ पे जो घायल हो गई, वो यहाँ नहीं है, वो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, वो तो कब तक आएंगे फिर? क्यों हाँ रिकॉर्ड करो नहीं यार। हाँ चलिए, वो तो मुझे पता है, थाना अध्यक्ष को आधिकारिक रूप से बोलने का उनको ये रहता है, लेकिन थाना में जो लोग है वो तो बता सकता है ना क्या। मैम कल सूचना प्राप्त हुआ था कि मद निषेध की टीम और आप लोग गई थी एक शराब मतलब जो शराब को लेकर दबिश देने गई थी और वहाँ पे महिला अधिकारी जो हैं उसको मतलब वहाँ मारा गया, वो घायल हो गए। सर मैं कल छुट्टी में थी, मुझे नहीं पता इस बात। अच्छा, कल आप छुट्टी में थे, कोई लोग थे जिन जो कल गए हुए थे थाना में, ऐसे कोई लोग नहीं जो कल गए थे? मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकती, मैं आ जाऊँ छुट्टी से। अच्छा चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं जरा, क्योंकि कल हुआ क्या कि कल जो लोग गए थे दबिश देने वो वहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद से वो लोग, अच्छा ये भी यहाँ के स्टाफ नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ कौन है फिर? यहाँ के स्टाफ कौन है फिर? पुलिस में मतलब थाने में कोई और स्टाफ मतलब कहीं के और क्या है?
आप यही के हैं ना? ना हम यहाँ ना है। आप भी नहीं है? देखिए यहाँ मतलब पुलिस थाने में अभी हम आए हुए हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर, मनोज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ सर, अब तक न्यूज पटना से। जी जी सर, कल भी मिलने हम हमारे रिपोर्टर एक दो गए थे आपके यहाँ, वो आपकी एक महिला टीम के ऊपर मद्य निषेध की उस पे छापेमारी में गई थी सर, उनके साथ मारपीट हुई है, क्या रिपोर्ट है सर इसमें? सर मद्य निषेध से लोग आए थे छापामारी के लिए। अच्छा, तो पिट गई आपकी टीम सर थाने की? हाँ। आपकी टीम कैसे पिट गई सर? मैंने आपने ये फोर्स उपलब्ध कराया था आपने, यानी कि फोर्स तो सर था जैसे तीन लोग और थे। जी। और दो हमारे साथ फोर्स चलता है गश्ती में। जी जी। और एक महिला अफसर थी, पांच आदमी, कहीं बाहर जाने की बात थी नहीं। अच्छा। और ये थोड़े जान रहा था कि घर के लोग उग्र हो जाएंगे खोलते खोलते, तो लेकिन 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 लड़कियां ज्यादा उग्र हो गई, मतलब कि कहीं भी इंचार्ज साहब, कहीं भी मैंने फोर्स जाती है या मद्य निषेध के लोग जाते हैं तो पुरुष वर्ग देखा जाता है कि वो मैंने भाग खड़ा होता है और उस घर भागा नहीं है महिला के चलते। अच्छा। महिला के चलते पुरुष नहीं उसमें इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, तो महिला महिला को पीटने लगी? महिला से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, तो पुरुष भी था। अच्छा, पुरुष भी पीटे महिलाओं को? नहीं नहीं, उधर से पुरुष भी था, हमारे तरफ का पुरुष को भी धक्का धुक्की किया है, पुरुष लोग भी एकाध दो जो थे ना। अच्छा, तो क्या फिर से एफआईआर हुई है? एफआईआर हो गई। अच्छा, तो किसी की गिरफ्तारी? हाँ, गिरफ्तारी तीन आदमियों ने, जो शराब पिए हुए था, जिसको लाने का प्रयास किया रहा था छापामारी, प्लस मान लीजिए छापामारी करने का दारू नहीं मिला, लेकिन पिए हुए था, बूढ़ा आदमी था वो। अच्छा, इसको ला रहा था लोग, इसी में लड़कियां तो गई। इंचार्ज साहब, क्या कारण है कि बिहार पुलिस पिट जाती है, हर मौकों पे पिट जाती है, बालू में आप जाते हैं छापामारी करने तो भी पिट जाते हैं? इसका जवाब यदि आमने सामने लिया जाए तो हम देंगे। आमने सामने लेंगे तो क्या भेज दें रिपोर्टर को? अभी हैं आप ऑफिस में? रिपोर्ट में हम था बाइक थोड़े देंगे, तब बाइक हम नहीं दे पाएंगे, क्यों? बाइक देने का अधिकार आपका नहीं है, पुलिस आपकी पीट रही है तो आप किसको बताएंगे? नहीं, 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 आपका नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है सर। चलिए चलिए ठीक है सर, ओके। मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ओके सर, ओके। जवाब है मेरे पास, लेकिन हम इससे बाहर हैं, मैंने बाइक मतलब क्या 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 नए डीजीपी बोलेंगे सर? नहीं, नए डीजीपी नए एसपी साहब जो हैं, आप लोगों के मुंह पे ताला मरवा दिए हैं कि घटना आपके साथ थोड़े बंद हुआ है तो, लेकिन ये नहीं ना कि हम महिला को पीट देंगे। आप महिला को नहीं पीटेंगे, लेकिन आपकी महिला सिपाही को महिलाओं ने तो पीट दिया ना। हाँ, तो महिलाएं तो महिला के साथ पुरुष भी है, तो इसलिए हम लोग प्रतिबंध है ना, हम लोग प्रतिबंध है मेरे साथ। ठीक ठीक है सर, ओके। हम लोग प्रतिबंधित है ना, महिला को हम नहीं छू सकते। ओके सर, ओके सर, ओके। किसी में सर होता है? ओके ओके सर, ओके ओके।